नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार कहा जा रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। दरअसल जैविक हथियार के तौर पर सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया या किसी जहर का इस्तेमाल लोगों, पशुओं या पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दुनिया में पहले भी रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल के उदाहरण मौजूद हैं। कई युद्धों के दौरान इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जा चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैविक हथियारों के खतरे का आभास 1925 में ही हो गया था और इसे रोकने के लिए कोशिशों की शुरुआत 1975 में की गई, लेकिन सब असफल रहा। 1980 के दशक में ईरान ने मास्टर गैस, सेरिन और ताबुन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया। उसके बाद टोक्यो सबवे सिस्टम ने सेरिनव गैस हमले में हजारों गैस को घायल कर दिया और अनेकों की मौतें हुई। शीत युद्ध के बाद ऐसे हथियारों के इस्तेमाल में भी कमी आई, लेकिन 9/11 हमले के बाद एक बार फिर जैविक हथियारों के इस्तेमाल की आहट सुनाई दी और वो थी एंथ्रैक्स पाउडर के साथ पट। 2002 में अमेरिका इसका शिकार बना, जब एंथ्रैक्स नामक बैक्टीरिया वाली चिट्ठियां लोगों को संक्रमित करने लगी थी। हालांकि जैविक हथियारों के विकास व इस्तेमाल पर रोक के लिए वैश्विक स्तर पर अनेकों सम्मेलन हुए, लेकिन अब तक इसके इस्तेमाल के मामले सामने आते रहे हैं। वर्ष 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत अनेकों देशों ने इस पर काबू पाने के लिए वार्ता की शुरुआत की। इसके बाद 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1973 में भारत ने भी इसकी सदस्यता ली। मौजूदा समय में पूरी दुनिया महामारी कोविड-19 से संघर्ष कर रही है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 के अंत में चीन के वुहान में हुई थी। इसने 2-3 माह के भीतर ही पूरी दुनिया के लगभग सभी छोटे बड़े देशों को अपनी चपेट में ले लिया। आखिरकार 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इसे महामारी घोषित कर दिया गया। कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह विकसित करने के आरोप में घिरे चीन की ओर से सफाई दी गई। सबसे पहले इन आरोपों व दावों को बीजिंग ने खारिज कर दिया और इसे अमेरिका की उसके खिलाफ साजिश करार दी। दरअसल अमेरिका विदेश मंत्रालय को चीन के सैन्य वैज्ञानिकों और चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ दस्तावेज मिला है। उसके मुताबिक 2015 में चीन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित करने पर विचार शुरू कर दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चनयिंग ने कहा, मैंने रिपोर्ट देखी है, कुछ लोग चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि तथ्यों का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी प्रयोगशाला में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जिनिंग के मुताबिक यह हथियार भले ही आत्मरक्षा के लिए तैयार किया गया हो, लेकिन इसके इस्तेमाल का फैसला वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं होगा। वर्तमान में संकट का सामना कर रही दुनिया के सभी देशों को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मजबूत मैनडेंग को विकसित करने की जरूरत आन पड़ी है, जो किसी भी हाल में ऐसे जैविक हथियारों से बचाव का राह आसान कर सके। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है, तो वहीं चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस को लेकर लंबे समय से शोध चल रहा है। यह प्रयोगशाला वुहान के उस बाजार से मात्र 16 किलोमीटर दूर है, जहां से मौजूदा कोरोना महामारी की शुरुआत बताई जाती है। यह बात भले ही न मानी जाए कि मौजूदा वायरस को चीन ने जानबूझकर फैलाया है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक प्रयोगशाला से वायरस से के लीक होने की आशंका को सिरे से खारिज करने के पक्ष में नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। तो वहीं चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस को लेकर लंबे समय से शोध चल रहा है। यह प्रयोगशाला वुहान के उस बाजार से मात्र 16 किलोमीटर दूर है जहां से मौजूदा कोरोना महामारी की शुरुआत बताई जाती है। यह बात भले ही ना मानी जाए कि मौजूदा वायरस को चीन ने जानबूझकर फैलाया, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने की आशंका को सिरे से खारिज करने के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक 2004 में वुहान की प्रयोगशाला से वायरस लीक हुआ था। उस समय वायरस से 9 लोग संक्रमित हुए थे और एक व्यक्ति की जान चली गई थी। अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि चीन में वायरस लीक के ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं। वायरस लीक के तरीकों पर वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रयोगशाला में सुरक्षा कितनी भी पुख्ता हो, लेकिन प्रयोग के दौरान संक्रमित इंजेक्शन के संपर्क में आने या प्रयोग में शामिल किसी चूहे या अन्य जीव के काटने से वायरस लीक हो सकता है। मौजूदा महामारी के लिए कोरोना वायरस के जिस स्ट्रेन को जिम्मेदार माना जाता है वह काफी हद तक चमगादड़ में पाए गए एक वायरस से मिलता जुलता है। कहा जाता है कि यही वायरस अपने आप को बदलते हुए मनुष्यों तक पहुंच गया। हालांकि कई वैज्ञानिक इस व्याख्या को खारिज करते हैं। उनका सवाल यही है कि कोई वायरस सीधे किसी जीव से या मनुष्य में आकर इतना संक्रमित नहीं हो सकता है। अगर इस वायरस ने बदलाव का लंबा सफर तय किया है तो फिर बीच की कड़ियां कहां है। मनुष्य के शरीर में फ्यूरिन नाम का एंजाइम होता है। फेफड़े में इसकी मौजूदगी ज्यादा होती है। कोरोना वायरस इसलिए बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में फ्यूरिन क्लीवेज साइट्स हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वायरस से मिलते जुलते सबसे करीबी वायरस में ऐसे साइट्स नहीं मिले हैं। एक अहम बात यह भी है कि ये साइट्स 4 अमीनो एसिड से बने हैं। म्यूटेशन होते होते किसी वायरस में ऐसे 4 अमीनो एसिड होना संभव है, लेकिन एक साथ 4 अमीनो एसिड जुड़ जाना स्वाभाविक नहीं है। ऐसा होने की संभावना तभी है जब प्रयोगशाला में अलग अलग वायरस से इसे लिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य तौर पर किसी वायरस को बहुत संक्रमक बनने में वक्त लगता है। सार्स भी जानलेवा था, लेकिन उससे जल्दी निपटना संभव हुआ क्योंकि उसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी। मौजूदा कोरोना वायरस के मामले में इसकी संक्रमण क्षमता भी चौंकाने वाली है। किसी नए वायरस के लिए इतना संक्रामक होना सामान्य बात नहीं लगती है। एक सवाल ये भी है कि जिस चमगादड़ के वायरस से इसकी समानता की बात कही जाती है वह वुहान से 1500 किलोमीटर दूर यूनान में पाया गया था। यह भी आश्चर्य की बात है कि वायरस 1500 किलोमीटर के सफर में किसी को संक्रमित नहीं करता है और अचानक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से 16 किलोमीटर की दूरी पर महामारी फैला देता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं देश में कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में वैक्सीन अपनी अहम भूमिका निभा रही है। तो वहीं कोरोना वायरस वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक अच्छी खबर आई है। अब 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल की बात चल रही है। एक एक्सपर्ट समिति ने इसकी सिफारिश की है। तो बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में वैक्सीन अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी तक तो 18 साल तक की आयु वर्ग के लिए कोरोना के टीके उपलब्ध हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खुशखबरी ये मिल रही है कि जल्द ही 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए आने वाले दिन में कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी।
इसके लिए भारत बायोटेक के कोविड 19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण के लिए ट्रायल की सिफारिश की गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड 19 विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार विमर्श किया। जिसमें उसके कोवैक्सीन टीके की 2 साल से 18 साल के बच्चों में सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने समेत अन्य चीजों का आकलन करने के लिए परीक्षण के दूसरे व तीसरे चरण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। गौरतलब है कि अमेरिका ने भी माना था कि भारत में बनी कोवैक्सीन कोरोना वायरस के 1-2 नहीं बल्कि 617 वेरिएंट्स को बेअसर करने में सक्षम है। और कोवैक्सीन रूप बदलने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का भी काम करती है। तो वहीं कुछ दिनों पहले तीसरे ट्रायल के नतीजे घोषित करते हुए ICMR और भारत बायोटेक ने भी कहा था कि सामान्य कोरोना मरीजों पर कोवैक्सीन टीका 78% तक असरदार है। तो वहीं भारत बायोटेक ने ट्वीट के जरिए बताया है कि देश के तमाम राज्यों को कंपनी ने अपनी कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। और जिन राज्यों को सप्लाई दी जा रही है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के आवेदन पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद कोविड 19 विशेषज्ञ समिति ने प्रस्तावित दूसरे व तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दिए जाने की सिफारिश कर दी है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये ट्रायल दिल्ली एवं पटना एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। और अगर परीक्षण के नतीजे अनुकूल आते हैं तो इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और बच्चों के लिए भी कोरोना टीका आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।